अच्छा जी अनसा सर्विकैलिस पहले तो हम इसकी आ, एक दूसरा नाम देख लेते हैं अनसा हाइपोकलैसाई भी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी आपके इंफ्राहाइड मसल्स हैं ना जिसमें आपका स्ट्रेनोथाइड स्टर्नोहाइड थायरोहाइड या ओमोहाइड आ जाता है इन सबको सप्लाई यही करते हैं। कैसे करता है कैसे करते हैं वो देख लेते हैं बेसिकली ये एक लूप है लूप क्या होता है लूप क्या होती है ये इस तरह से एक लूप होती है ठीक है ये एक लूप है लेकिन ये इसका एक सुपीरियर रूट होता है एक इंफीरियर रूट होता है ये कैसे बन रहा होता है ये देख लेते हैं ओके ये होता है कहाँ पर पहले ये देख लें कि इंटीरियर क्रोटिक शीट में होता है या हम उसके कॉन्टेंट बढ़ जाते हैं और इंफीरियर हार्ड मसल को सप्लाई कर रहा होता है अब जो सुपीरियर रूट है उसको हम बैकग्राउंड के थ्रू देखें तो ज्यादा अच्छा समझ आ जा जाएगा ये हमारा सुपीरियर रूट है बेसिकली यहाँ पे एक नव जारी होती है ये वाली हाइपोकलोसल नव ओके जो टंग को जाके सप्लाई करती है आपको भी पता है इसने एक अपनी डिसेंडिंग ब्रांच देनी है जिसने V1 वन रेमस के साथ मिलना है और एक डिसेंडिंग नर्व फाइबर बना लेना है यानी कि फर्स्ट सर्वाइकल जो हमारी स्क्रीनि सॉरी सर्वाइकल नर्व जो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व है उसको उसके फाइबर और एक डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द हाइपोग्लोसल मिल के एक क्या बनाते हैं सुपीरियर रूट बनाते हैं इन्फीरियर रूट कैसे बनेगी सेकेंड और थर्ड सर्वाइकल जो नर्व्स हैं इन दोनों की नर्व्स मिलेंगी और इन्फीरियर रूट बना देंगी अब इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जो इन्फीरियर रूट है वो बेसिकली वाइंड राउंड करती है किसके गिर्द एक्सटर्नल जोगलर के गिर्द और ये दोनों जो है ये जो सुपीरियर ये वाली सुपीरियर जो इन्फीरियर ये आगे एंटीरियर इंफीरियरली यानी आगे की तरफ और नीचे की तरफ मूव करती हैं आपस में मिलते हैं और लूप बना देते हैं अनसा सर्वी बन गया ओके पहले क्या हुआ सुपीरियर रूट ने हाइपोग्लोसल से एक डिसेंडिंग नर्व फाइबर लिया और सी वन यानी सर्वाइकल वन नव वाई आपस में मिले और सुपीरियर रूट बना दिया इन्फीरियर रूट C2 और C3 ने यानी कि सेकेंड और थर्ड सर्वाइकल नव ने आपस में मिली और इन्फीरियर रूट बना दिया बन गए अब ये जो लूप है ना ये बेसिकली तीन चीज़ों को सप्लाई करती है एक बार याद रखिएगा जो सुपीरियर रूट है वो बेसिकली सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहाइड को सप्लाई करती है जो इन्फीरियर रूट है वो इन्फीरियर वैली ऑफ होमोवाइड को सप्लाई करती है ये लिखा भी हुआ है और ये जो लोप का दरम्यान वाला यू शेप स्ट्रक्चर है ये स्टर्नोहाइड और स्टर्नोथाइड को सप्लाई करता है ओके ये बात आपको समझ में आ गई सो so, बेसिकली समझना क्या जरूरी था ये क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है क्योंकि क्यों क्यों ये इन्फ्राहाइड मसल को सप्लाई करता है इन्फ्राहाइड मसल क्या है जो आपकी हाइड बोन से नीचे थे उनके नाम क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टर्नो जिसमें यही जिनको ये सप्लाई कर रहा है यही है कौन कौन से हैं ओमोहाइड है, ओमो है जिसकी सुपीरियर इन्फीरियर वैली होती है दो वैली होती हैं स्टर्नोहाइड है स्टनोहाइड है, है अच्छा जो स्टन जो थायरोहाइड है और ग्लिनोहाइड है ना याद रखें इनकी सप्लाई होती तो इससे ही है लेकिन उनकी अलग से ब्रांचेज होती हैं जो कि फर्स्ट सर्वाइकल नर्व से आ रही होती हैं जो कि हाइपोग्लोस कहाँ से फर्स्ट सर्वाइकल नर्व कौन से ये देखें ये आएगी यहाँ पे ये ब्रांचेस देगी जो सॉरी ये आएगी यहाँ पे ब्रांचेस देगी और ये थायरोहाइड और ग्लिनोहाइड को गाइनोहाइड को सप्लाई करेगी कुछ चीज़ मुश्किल नहीं होगी इन शाला तल आपकी इस तरह से याद करेंगे तो बेसिकली जो आपकी हेड एंड नैक है वो बेसिकली आपकी डायग्राम्स पे बेसिक रखती है अगर आपने डायग्राम समझ ली तो आपका सब कुछ समझ में आ गया होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कुछ चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़